वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् अजोऽपि सन्नव्ययात्मा प्रवचन परम शब्द स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा चैत्र कृष्ण चतुर्थी विक्रम संवत 2051 तदनुसार 20 मार्च 1995 को लगभग दोपहर 3 बजे मुरली मनोहर धूरा बीकानेर में हुआ। पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे संसार की चीजों की प्राप्ति के लिए इच्छा भी हो और प्रयत्न भी किया जाए और प्राप्ति का साथ हो तो सिद्धि होगी। जैसे धन की इच्छा है तो धन की इच्छा भी हो और धन के लिए उद्योग किया जाए
खेती आदि करना है, नौकरी करना है, व्यापार करना, कई तरह की, और वो उद्योग करने में प्रारब्ध का संबंध होगा। तीन चीजों से सांसारिक सिद्धि होती है और पारमार्थिक सिद्धि केवल इच्छा से होती है, उसमें प्रारब्ध की जरूरत नहीं है, उसमें विशेष चेष्टा की जरूरत नहीं, क्रिया की भी इतनी जरूरत नहीं है। इच्छा हो, वो इच्छा क्या है, आप ध्यान दें, आवश्यकता का अनुभव। मेरी ऐसी प्राप्ति हो तो आवश्यकता का अनुभव, केवल ये जरूरत है। तो आवश्यकता का अनुभव करना है ना, उससे उसकी प्राप्ति हो जाती है। तो इच्छा और आवश्यकता दो चीज है, मैंने कहा ना इच्छा मात्र से, तो इच्छा के दो भेद है, एक आवश्यकता है, एक कामना है। तो संसार की इच्छा उसको कामना इच्छा ऐसे कहते हैं, और परमात्मा की प्राप्ति की जो इच्छा है कामना है उसको आवश्यकता कहते हैं। इच्छा और आवश्यकता दो चीज है। इच्छा होती है वो शरीर को लेकर होती है, स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर है, इन शरीरों की प्रधानता लेकर इच्छा होती है, और स्वयं की जो चीज है वो आवश्यकता होती है। और जब तक ये इच्छा रहती है तब तक ये आवश्यकता को समझता नहीं है, वो सिर्फ धन की आवश्यकता है, मान की आवश्यकता है, भोगों की आवश्यकता है, संग्रह की आवश्यकता है, मकानों की तरह तरह की आवश्यकता, इसको आवश्यकता समझता है, इसकी आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता और इच्छा दो चीज है भाई बहन, सबसे कहना है ये दो चीज है, यह याद कर लो, फिर नहीं समझ आओ तो पूछो, पर पूछने से विषय बहुत खुलता है, बहुत साफ होता है। जैसे दृष्टांत में शरीर के लिए आवश्यकता है भोजन की, और इच्छा है स्वाद की, मीठा मिले, चरपड़ा मिले, खट्टा मिले, रूखा सूखा, ऐसी जो कई तरह है, ऐसे रसों की इच्छा है वो है इच्छा। आवश्यकता है भोजन की, चाहे हलवा पूरी खा लो, अच्छा तो कोरा पत्ता उबार करके साग खा लो, पेट भर जाएगा। तो पेट में जो खाली चीज है उसके भरने की इच्छा है, उस इच्छा नहीं है, वो आवश्यकता है। और जो स्वाद को लेकर के अमुक अमुक चीज मालूम मिले, इसका नाम है इच्छा, कामना, वासना। तो ये जन्म मरण देने वाली है, भूख जन्म देने वाली नहीं है। भूख मर तो मर जाए तो पाप नहीं लगेगा ना, कुछ पूरा जन्म होगा, इच्छा हो तो जन्म होगा। अगर तो कारण गुण संगो से सदस्य योनियों में जन्म होने में कारण है गुणों का संग, ऊर्ध्व गति सत्व सा, मध्य तिष्ठन्ति राजसा, अधोगति तामसा। तो इच्छा कामना के कारण से ये गतियां होती है, हमें कामना कोई नहीं हो तो गति होती ही नहीं, गुणों का संग ही नहीं होगा। तो जैसे शरीर के लिए भोजन की, जल की, कपड़े की आवश्यकता है, और ऐसा सुंदर कपड़ा हो, सुंदर अच्छा भोजन मिले, ऐसा जल मिले, ऐसा अन्न मिले, ऐसे जो कपड़ा होंगे, ये इच्छा होती है। सी लग रहा है तो बढ़िया कपड़ा मिले, ये इच्छा है, और सही ढंगने के लिए मिल जाए, चटाट हो चाहे घास ही ऊपर डाल दिया जाए, सी मिल जाए। तो सी मिटाने की तो आवश्यकता है, और सुंदर सुंदर कपड़ों की इच्छा होती है।
इसी तरह से खुद जीव की जो इच्छा है वो है परमात्मा की, और शरीरों की इच्छा है वो संसार की, क्योंकि शरीर संसार के हैं। स्थूल शरीर स्थूल संसार का है, सूक्ष्म शरीर सूक्ष्म संसार का है, और कारण शरीर कारण संसार का है। तो शरीरों को लेकर जो इच्छा होती है इसका नाम कामना है, और भीतर में जो मुक्ति की इच्छा है, प्रेम की इच्छा है, भगवान के दर्शनों की इच्छा है, इसका नाम है आवश्यकता। आवश्यकता जो तत्व है उसकी होती है, ऊपर की चीजें नहीं। आवश्यकता जैसे अन्न की हुई, जैसे कपड़े की हुई, जल की हुई, मकान की हुई, इसमें सुंदर और सुंदर कोई विचार को नहीं। निर्वाह तो निर्वाह की है, वो तो इच्छा का ही आवश्यकता, और उसमें जो विशेष विशेष कामना है, तो उस जीव के खुद के लिए खुद की इच्छा क्या है, तो भगवान की है। एक भगवान की इच्छा हो तो भगवान की इच्छा जागृत होने पर संसार की इच्छा मिट जाती है। केवल कैसे मिले, कोने कैसे मिले, सामरी हो भगवान कैसे मिले, ये जोरदार हो जाएगी, सब इच्छा मिट जाएगी। तो इच्छाएं तो मिट जाएगी, आवश्यकता पूरी हो जाएगी, भगवान मिल जाएंगे। आवश्यकता पूरी नहीं होती बिना भगवान के, अरे इच्छा पूरी होती नहीं कभी। कितना ही धन मिल जाए, कितनी संपत्ति मिल जाए, क्योंकि इच्छा नाशवान की है, वो नाशवान से पूर्ति कैसे हो, और आवश्यकता अभिलाषी की है तो उसकी कमी कैसे रहे। इस वास्ते शरीर में एक तो परमात्मा का अंश, एक है प्रकृति का अंश। तो प्रकृति के अंश को लेकर तो इच्छा है प्राकृत पदार्थों की, प्रकृति के पदार्थों की, और परमात्मा की इच्छा है परमात्मा की, क्योंकि वो प्रकृति का अंश शरीर है और परमात्मा का अंश जीवात्मा है। दोनों विभाग आप जान लो, भूमि रापो नलो वायु खंग मनो बुद्धि रेव अहंकार बिन्दा प्रदेश अपरायु, ये अपरा प्रकृति है। तो अपरा प्रकृति है वो पतन पतन करने वाली है, वो जन्म जन्म मरो। तो अहम अहम तक अपरा प्रकृति है, और जीव भूत है वह परा। अतस्तन्याम प्रकृति विद्धि में पराम जीव भूताम, जीव वो है परमात्मा का अंश। या जीव भूताम कह दिया, ममे वांसो जीव लोगे जीव भूता कह दिया, वही वही है चेतन। तो चेतन में कमी कैसे आई, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, उसने शरीरों को जड़ को पकड़ दिया तब ये इच्छा हुई। जैसे आप विवाह कर लेते हैं तो विवाह के बाद आपके गहनों की साड़ी की इच्छा होती है, सब जरूर है। तो वो जरूरत आपकी क्यों हो गई, कि वो जरूरत उसने की है, साड़ी उसको चाहिए, गहना उसको चाहिए, नथ उसको चाहिए, आप खरीदे तो नथ चाहिए, कि आप मत नथ पहनते हुए, अरे भाई घर में चाहिए घर में। इस तरह से इस शरीर के साथ संबंध कर लिया, अब शरीर की इच्छा आपको होगी, खाना पीना मिल जाएगा, आराम मिल जाएगा, ठीक रहेगी इच्छा। तो वो स्त्री के संबंध से स्त्री की इच्छा हुई है, ऐसे शरीर के संबंध शरीर की इच्छा आपका अच्छा इच्छा हुई है। अगर शरीर का संबंध नहीं रहे तो संसार की चाहिए। और एक विलक्षण बात और है मेरे मन में आती, आप इन बातों को ध्यान से सुने, नहीं याद है तो लिख लें, पर इनको खूब विचार करो तो बहुत लाभ की बात है। तो संसार की इच्छा है वो है कामना इच्छा, और भीतर की है वो है आवश्यकता। तो आवश्यकता किस पर टिकी हुई, संसार की इच्छा पर आवश्यक टिकी, ये मार्मिक बात है। आप मुझसे पूछ लेना, याद रख करके प्रश्न हो तो फिर पूछ लेना, अभी मेरे को कहने दो। तो संसार की इच्छा होने से ही आपकी आवश्यकता हुई, मानो कमी आ गई। संसार की इच्छा सर्वथा मिट जाए तो परमात्मा की इच्छा पूरी हो जाएगी।
क्यों पूरा तो है आपको ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि है। अब सहज सुख राशि में सुख की जगह से हो, सहज सुख राशि में सुख की जगह से हो, तो जितना जड़ चीज को स्वीकार कर लिया, प्रकृति को स्थूल हो सूक्ष्म हो कारण हो, इसको स्वीकार कर लिया, तो इनकी इच्छा अपने को इच्छा होगी। जैसे स्त्री की इच्छा आपकी इच्छा होगी, अन्न जल वस्त्र मकान चार चीज है खास, जिनमें दो तीन चीज खास है, अन्न जल वस्त्र, इसके बिना निर्वाह नहीं होता, खास है आवश्यक शरीर की। अब इसकी सदैव नहीं है, इसमें एक बढ़िया बात यह है कि शरीर की जो निर्वाह करने की अपनी इच्छा है, इस निर्वाह के लिए परमात्मा की तरफ से प्रबंध है, पर आवश्यकता की पूर्ति के लिए परमात्मा स्वयं है, पर इच्छा की पूर्ति के लिए कोई नहीं है, न परमात्मा है न संसार, इसकी पूर्ति होती ही नहीं। प्रतिलाजियों प्रतिलाभ लोभ अधिकारी देता हो जाए देता हो जाए देता हो जाए देता हो जाए सो जाए सो जाए। एक कहानी आती है, नारद जी आ गए, नारद जी खुश हो गए, तुम क्या चाहता है? तो महाराज धन चाहता हूँ, मकान चाहता हूँ, फिर देश देता हूँ, फिर राजा हो जाऊं, फिर सम्राट हो जाऊं, फिर मैं इंद्र हो जाऊं। मारी का ठीक है, ये हो जाए ये हो जाए ये हो जाए ये हो जाए। पूछता अकबर कौन है, इंद्र से बढ़कर कौन है? एक एक बताते गए, ज्यादा विस्तार क्यों समय लाया आपको? फिर अंत में जाके ब्रह्मा जी रचना करते हैं, तो ब्रह्मा जी बनाए दो। नारी करे मारे बाप मनो से आ जाए, पूर्ति नहीं होती, इससे पूर्ति नहीं होती, बढ़ती चली जाएगी। तो इस संसार की इच्छा पूरी नहीं होती है, किसी की हुई नहीं, आज दिन इतिहास में किसी के भी इच्छा की पूर्ति हो गई ऐसा सुनने में नहीं आया है। अरे आवश्यकता पूर्ति सबकी हुई, किसी बाकी नहीं रही है। जब तक संसार की इच्छा रहती है तब तक परमात्मा की इच्छा पूरी नहीं होती, या इच्छा बढ़ती वो पूरी हो जाए सोते ही, क्योंकि संसार की इच्छा जितने अंश में करी उतनी जैसे में खाली रहा, ये संसार की इच्छा छोड़ी खाली वहां पूर्ण हो गया। सहज सुख राशि है, सहज सुख राशि में सुख इच्छा कैसे होगी? तो सहज सुख राशि ने जड़ता को स्वीकार कर लिया, इससे उसकी इच्छा हो गई। तो इच्छा और आवश्यकता ये चीज है, इच्छा और आवश्यकता, तो आवश्यकता की पूर्ति होती है, इच्छा की निवृत्ति होती है, इच्छा की पूर्ति नहीं होती, और आवश्यकता की पूर्ति होती है उसकी निवृत्ति हो जाती है, मन पूर्ति होने निवृत्ति हो जाएगी, या इच्छा की पूर्ति होती नहीं या निवृत्ति नहीं होती, त्यागने से निवृत्ति हो जाती है, छूट जाती है। इच्छा की उत्पत्ति, इच्छा की आशा, इच्छा की पूर्ति, इच्छा की निवृत्ति, तो इसकी निवृत्ति होगी तब काम से होगा। इस बात गीता ने कामना के त्याग पर जोर दिया। तो परमात्मा की इच्छा है वो कैसे होती है? केवल लालसा। तो लालसा केवल परमात्मा की कैसे होती है? आवश्यकता का अनुभव करें। सज्जनों से एक बात कहता हूँ, ध्यान देना हो, परमात्मा कैसे मिले, क्या करूं, कहां जाऊं, परमात्मा की प्राप्ति कैसे हो, तत्व ज्ञान कैसे हो, भगवान का प्रेम कैसे हो, भगवत दर्शन कैसे हो, ये आवश्यकता, ये अगर व्याकुल हो जाओ आप सबको पूरी हो जाएगी। केवल ऐसी व्याकुलता हो कि दूसरी कोई चीज स्वाभाविक है नहीं। जैसे बच्चा होता है माँ 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 करता है, रोता है तो माँ भेजती है लड़की को कि भाई जा भाई को ले ले, वो भाई को ले ले, राजी हो जाती तो राजी हो जाती, रोता रहे राजी भाई ही झुंझुना जाए, खाने फेंक दे, खाने की जरूरी फेंक दे, जब माँ ले तो लाते से मारे, तो कहती माँ मानती भाई नहीं मानता, तो माँ को आना पड़ेगा। इस तरह से संसार का झुंझुना है। बाबू जी बड़े अच्छे महात्मा बड़े संत है, खून खून बजाओ बैठे, मेरा ना कुछ है नहीं, माया है प्रकृति, यात्रा तो ले तो प्रकृति वो माँ बहन बहुत अच्छी है, परंतु दूध तो माँ का ही मिलेगा, बहन कैसे मिल जाएगा?
पोषण जो अपना होगा तो माँ से ही होगा भाई। तो ये संसार की इच्छा है तो भाई है तो प्रकृति है ना, प्रकृति ये साथ नहीं रहती। असली परमात्मा वो साथ ही रहते हैं। तो ये इच्छा आवश्यकता ये दो चीज है, ये बड़ी बढ़िया चीज है। आप इस पर थोड़ा अध्ययन करो, विचार करो और शंका तो पूछो, गहरा विचार करो। ये हमारे तो वर्षों तक पता नहीं लगा था। मेरे को तो पढ़ाई कर दी, सत्संग कर दी, व्याख्यान करने लग गया, इसका पता नहीं लगा कई वर्षों तक। किसे पता लगा? तो आप लोगों से कहते हैं कि आप इसे पता लगाओ। तो अपने खुद की इच्छा है उसका नाम है आवश्यकता। जीव के कल्याण की इच्छा है, मुक्ति की इच्छा है, प्रभु के प्रेम की इच्छा है, जीवन मुक्ति की इच्छा है, तत्व ज्ञान की इच्छा है, ये असली आवश्यकता है। इसकी पूर्ति होती है, इसकी निवृत्ति नहीं होती। अरे इच्छा की पूर्ति कभी होती नहीं, उसकी निवृत्ति ही होती है। तो पहले आफत में छोड़ दो, पहले ही चारों वेद डंडोर के अंत कहोगे राम, सो रज्जब पहले कहो इतने ही में काम। चारों वेद पढ़ करके फिर राम राम करोगे तो अवश्य राम राम शुरू इतने शुभ काम होता। तो वास्तव में भगवान की तरफ ले जाओ केवल, उसके बिना मैं नहीं रह रहा। हे नाथ क्या करूं, कैसे करूं, भगवान के दर्शन कैसे हो, भगवान की बल्लाज से आए वो जाग जाए आवश्यकता। जैसे भूख लगे ना, भूख तो अन्न की आवश्यकता, खाद्य पदार्थ की आवश्यकता। कुछ मिल जाए खाने को, शाक पत्ती मिल जाए, फल मिल जाए, अन्न मिल जाए, ऐसा मिल जाए भूख। तो भूख में विशेष स्वाद नहीं चाहता है, स्वाद का दरा दर जाता है। भूख नहीं लगे तो कवा घूमे मुख में चलाता है, भूख लगे तो सभी जगह देते डरा दर भेज जाए। स्वाद किसको चाहिए, भूखा मरते हैं हम, स्वाद बेस्वाद क्या दे रहा है, जैसे मिल जाए जैसे पेट भरना है। तो ऐसे भूख भगवान की लग जाए तो निहाल हो जाएंगे। ना गुरु की जरूरत है, ना शास्त्र की जरूरत है, ना उपदेश की जरूरत है, किसी की आवश्यकता नहीं। केवल आप आवश्यकता का अनुभव करें, उस आवश्यकता के कारण सब इच्छाएं मिट जाए और हमें नहीं चाहिए बस। नारायण है लगन में ये पांचों न सुहात, विषय भोग निद्रा हसी जगत प्रीत भोग बाती है सुहाती नहीं। हे नाथ हे नाथ, एक उसकी लगन लगी, भीतर लाशी लगी है, अग्नि सी लग गई है कि भगवान कैसे मिले, भगवान के दर्शन कैसे हो, भगवान में प्रेम कैसे हो जाए, भगवान ही मेरे को प्यारा लगे और कोई मेरे को अच्छा नहीं लगे। सजनों ये लालसा लगाओ, क्यों इस लालसा परमात्मा प्राप्ति हो जाएगी। उठते बैठते जगते सर सोते हरदम हरदम ये सरे, भगवान कैसे मिले, परमात्मा का भी कैसे हो, भगवान के दर्शन कैसे हो, भगवान चरणों में प्रेम कैसे हो जाए, एक भगवान के बिना मैं रह नहीं सकूं, ऐसी व्याकुलता हो जाए, परमात्मा प्राप्त हो जाए। वो पढ़ा लिखा है कि अपढ़ है, योग्य है, अयोग्य है, कोई जरूरत नहीं। ये पढ़ाई करनी पड़ती दूसरों के लिए, अपने को मरने के लिए तो जरूरत नहीं। सो अच्छा बढ़िया चक्कू उसे काट दो खत्म हो जाएगा। दूसरों को मारने के लिए चाहिए, दूसरों को सुनाने के लिए पढ़ाई करनी है। अपने लिए केवल इच्छा, क्या करूं, कहां जाऊं, कौन बतावे, कैसे हो, नहीं नाथ है नाथ, ऐसे व्याकुलता हो जाए। इस व्याकुलता रूपी अग्नि में सब असाधन जल जाएंगे। जो विघ्न है साधन के, परमात्मा की प्राप्ति में बाधाएं है, वे बाधाएं सब मिट जाएगी, बाधा कोई रहेगी नहीं। ये व्याकुलता की अग्नि है, ऐसे ये व्याकुलता चाहिए। तो इसमें केवल व्याकुलता, तो व्याकुलता आवश्यकता अनुभव करो। हे नाथ कैसे मिलेंगे आप, भगवान कैसे मिलेंगे? भगवान नाम भी नहीं हो आपका, परंतु हमारे संतोष नहीं होता इन चीजों से, नाशवान मिलने से संतोष नहीं है। अरे भूखा मरे उनको सदा नाटक दिखावे, गाना बजाना सुनाए, फिर भूखा मरता हूँ क्या सही,
ऐसी भूख लगे भगवान की तो संसार की इच्छाएं सब खत्म हो जाती है। और खत्म होते ही परमात्मा प्राप्ति हो जाएगी। परमात्मा तो प्राप्त है, इच्छा के कारण डकी हुए वो। परमात्मा की प्राप्ति में बाधा संसार की इच्छा ही है। वो इच्छा निवृत्ति होने की प्राप्ति हो जाएगी, चटी हो जाएगी। कितनी बात है ये। तो जो परमात्मा में प्राप्ति चाहते हैं उनसे मेरा कहना है केवल इच्छा इसको बढ़ाओ। ना खाना अच्छा लगे, ना पीना अच्छा लगे, ना कपड़ा अच्छा लगे, ना सोना अच्छा लगे, ना बात अच्छी लगे, ना किसी में मन लगे नहीं। कैसे मिले भगवान, कैसे मिले भगवानी दर्शन, कैसे हो भगवान की सनम प्रेम, कैसे हो ऐसी लालसा लग जाए प्राप्ति जाए। उसके प्राप्त तीन कारण बताया, इच्छा भी हो और उद्योग भी हो और प्राप्त मिले तब पूर्ति हो संसार की। इसको केवल आवश्यक है, कैसे मिले कैसे बात। अब मैं इसमें कोई शंका हो तो पूछो। अनुभव तो ऐसे हो भाई कि जितनी चीज मिली उन तृप्त होती नहीं। खाते 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 उम्र बीत गई, खाने की इच्छा पूरी हुई क्या? मान बढ़ाई मिलते मिलते इसकी इच्छा पूरी हुई है क्या? सोते सोते सोने की इच्छा मिट गई क्या? पीते पीते क्या प्यास मिट गई क्या? कपड़ा बढ़िया लेते लेते क्या ऐसी इच्छा मिट गई, पूरी हो गई क्या? खाते खाते वर्ष बीत गए, खाते खाते ही मर जाओगे, तो खाने मात्र से कोई तृप्ति हो जाएगा ये इच्छा है? तो पूर्ति नहीं होती तो इससे विमुख हो जाओ, इससे सुख मत ले। सोने से सुख मत ले, बातचीत से सुख मत ले, भोजन से भी सुख मत ले, जल पीने से सुख मत ले, सोने से सुख मत ले। ये तो करना पड़ता है, अब क्या करें? कोई शौक थोड़ी लगी है, ये तो करना पड़ता है, क्या करें? बने सुख मत लो, भोजन करो, पर भोजन में राजी मत हो जाओगे तो आह बढ़िया भोजन मिला वहां ठीक जाओगे। सोने का बड़ा अच्छा कमरा, बड़ा अच्छा मेरे आनंद हो गया, बस फंसे हो, इसे सुख नहीं हो। जैसे दवाई लेने से कोई सुख थोड़ी होता है, वो दवाई लेनी पड़ती है, क्या करे रोग है। इसने खुद व्याधि चिकित्सा प्रतिदिन विशोषदम भुज्यताम। शंकराचार्य कहते हैं साधु के लिए भूख लगी तो भूख की चिकित्सा करो भाई, फिर दवाई दो, भिक्षा औषध ले लो। ये साधु है असाधु है बढ़िया घटिया मन में साधन नहीं नवी आचिता विधि प्रसाद प्राप्त है न संतोषिता जो करो। ये तो एक दवाई लेनी है, भोजन करना है दवाई लेनी है, पानी पीना है दवाई लेनी है, कपड़ा पहनना है पट्टी बांधनी है। पट्टी सुंदर है, सुंदर क्या मतलब? थोड़ा भूसी उठा देना, ये थोड़ा भूसी है पट्टी बांधनी है, या दवाई की तरह पानी पानी हिलना है, जल लेना दवाई की तरह, इसे सुख ना हो। ये खास याद रखो, सुख हो जाते हो अटक जाते हो, मन चाहिए चीज हो जाती है। कामना क्या है? तो मैंने पढ़ा है और ठीक दिखता है कि अपने मन की बात पूरी हो जाए, ये कामना है। मन की बात पूरी हो चाहे ना हो, सिद्धि सिद्धियों समूह समत्म योग, ये योग है। संसार की इच्छा पूरी हो ना हो, मन चाहिए हो जाए ना हो जाए, इसकी परवाह नहीं हो, हमेशा परवाह नहीं है। एक परमात्मा की परवाह है, एक तरफ से नहीं परवाह है, एक और जरूरत नहीं और आवश्यकता नहीं। तो संसार की इच्छा पूरी हो उसमें सुख मत लो। ये बात हमारे को बहुत दिनों से मिली है, ये विश्वास से कहता हूँ कि आप इसका अनुभव करो। मेरे विचार में बात क्या है? अटका हुआ काम क्या है? जप करते हैं, कीर्तन करते हैं, सत्संग करते हैं, पुस्तकें पढ़ते हैं, सब सब करते हैं, फिर भी ये पूर्ति नहीं होती, बात क्या है? हमारे लिए शंका क्या बात है? तो वर्षों के बाद हमारे ये बात मिली, मेरे को बातें मिली है, पुस्तकों से मिली है, संतों से मिली है, विचार से मिली है, ये बातें मिली है।
तो आप इनमें समय खर्च मत करो। संतों ने कहा चाक चाक सब छा लिया माया रस खा रहा हो, इनमें हमने देख लिया सब खा रहा, तुम तकलीफ मत देखो, सब खा रहा है। नाम सुधार कीजिए छिन्न बारम्बार राम 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 करो, राम राम करते हुए भी और छिन्न नहीं, राम 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 जी कैसे मिले कैसे मिले ऐसे पुकारो पूरी जाए। तो सुख में लेना है संसार का यही बात है। और दवाई खाने में आराम थोड़ी देर साथ हो जाते हैं, ये तो डर है। इस वजह से कबीर खुदा कुकरी तरसो दही लगाए, इसको टूका डाल दे पीछे हरमन का थोड़ा ना करो, इसमें तू कुतरी बुझती रहेगी टूक। तो बात ये किसी में सुख मत, किसी में आराम मत, किसी में अटको मत, ये तो बीच की बात है। राग द्वेष किसी से बैर किसी से विरोध किसी से प्रेम बहुत खराब चीज, ये बीच में अटकना है। वो आदमी अच्छा नहीं है, वो आदमी अच्छा है, कहीं राग कहीं द्वेष कहीं हर्षर कहीं शोक कहीं अनुकूलता कहीं प्रतिकूलता, ये द्वंद है। द्वंदेर विमुक्ता सुख दुख संधि मृद्वंदो ही महाभाव सुखम बंधा पर कुछ, इस द्वंद से उठो, अनुकूलता प्रतिकूलता से इसे ऊंचा उठो। इसमें राजी नाराज दोनों मत हो, प्रतिकूल न मत नाराज मत हो, नाराज से वो अटकता है और राजी से अटकता है। अब इसमें शंका तो बोलो, संसार की चीजों से राजी नाराज नहीं होना, किसी व्यक्ति से राजी नहीं होना, किसी व्यक्ति से नाराज नहीं होना। राजी नाराज हो तो फंस जाओगे, ऊंचा नहीं बढ़ सकोगे, सच्ची बात है एकदम ही एकदम पक्की बात। द्वंदे विमुक्ता सुख दुख संगी, सुख दुख संगी द्वंद्व से रहित हो जाओ, निर्द्वंदो नित्य सत्तोस्तो निर्योग क्षाम आत्मवान निर्द्वंद, ये द्वंद है। इस द्वंद में साधन भी जाओगे, ज्ञान के करेंगे भक्ति में जाओगे, सगुण को मानेंगे निर्गुण मानेंगे साकार को मानेंगे निर्गुण को मानेंगे। अरे तुम्हारे है ही करो, एक नौशल के बाबा परमानंद बाबा थे, उनकी बात सुनी अच्छा संत नौशल के थे। उन बाबा भी पूछी एक सज्जन मिले थे, वो कह रहे थे तो उनसे पूछा बाबा क्या करें, कहते राम राम करो, राम राम करो। महाराज वो परमात्मा निर्गुण है कि सगुण है, तो मारवाड़ी बोले मारवाड़ी सभा, अरे निर्गुण और सगुण हो तू इस पंचायत में मत पड़, तू तो राम राम घाल घूमका है, घाल घूमका है तू घूमका हो, तू जाए तेरा काम जाने घाल घूमका है राम 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 हे नाथ हे नाथ। ऐसे भगवान की इच्छा हो उसके बिना रहा नहीं जाता, भगत तू रोटी खा रही पानी पी लिया घड़ी नींद आएगी सो गया, बल एक पीछे पड़ गया असत्यों का पंचायत की मत सगुण निर्गुण द्वैता द्वैत शुद्धाद्वैत विशिष्टाद्वैत, ये संसार ये दार्शनिक लोग है वो जंजाल में फंसे भी करे अपने अपन काम करें अपने दिए की बात, कोई सुख दे तो चौकी बात दुख दे तो चौकी बात अनुकूल चले तो चौकी बात प्रतिकूल चले हमें मतलब नहीं है, अनुकूल प्रतिकूल से मतलब नहीं। जिसके बद्रीनारायण जाना है वो रास्ते में महाराज कई तरह की चीज आती है, रस्ते में कहीं कहीं यात्री से बदलों की छाया आ गई, अनुकूल हवा चलती है, तो ना तो वे घाम से घबराना है या ना वो हवा लेनी है, अपने बद्रीनाथ जाना है। इस बार संसार का घाम और ठंडी कुछ नहीं हो, दुर्गंधि हो चाहे सुगंधि हो, अपने इस मतलब नहीं सुगंधि में राजी नहीं हो दुर्गंधि नाराज नहीं हो, क्या है नाराज है, हमें अपना रास्ता तय करना है। ये कैसे मिले बद्रीनाथ कैसे पहुंचो बद्रीनाथ कैसे बद्रीनाथ के दर्शन कैसे हो, ये
बात नहीं सुहाती, लोग सुहाते, लोग बात करते हैं, गाना बजाना, सुंदर 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 दृश्य देखना, नाटक देखना, सिनेमा देखना, राजकूप देखना, संतोष नहीं होता भाई हमारे किसी बात से। लगन लग जाए, लगन लगन सब कोई गए, लगन कहा वह सोए नारायण जिस लगन में तनमन दीजे खोए, मन में लागी चटपटी कब निरखू घन श्याम, नारायण भूलो सभी खान पान आराम विश्राम, खान पान भूल जाए विश्राम भूल जाए, इसमें एक लगन एक ही, इस लगन को बढ़ाओ, क्यों लगन को बढ़ाओ, एकांत बैठ कर भगवान से कहो कि नाथ ऐसी सच्ची लगन दो, ऐसा प्रेम दो, ये नाथ आपके बिना मैं रह न सकूं, ऐसी कृपा करो कृपा नाथ, ऐसी कृपा करो, ठीक हो जाएगा सब काम, ठीक हो जाएगा एक बात हो जाए, बोलो एक ही चीज, सगुण निर्गुण साकार निराकार द्वैत अद्वैत विशेष ज्ञान भक्ति कुछ भी हो, मेरी ये कैसे पूर्ति हो, ये झंझट कैसे मिटे, कभी ये खाओ वो लाओ ये सब दो, ये हम नहीं रह सकते, हमें तो कैसे वो पूर्ति हो जाए, आपका इष्ट कृष्ण भगवान कृष्ण गान करो, राम जी का हो विष्णु भगवान का हो किसी का हो, उसी लो सगुण की इच्छा हो निर्गुण की इच्छा हो, मुक्ति कैसे हो, तत्व ज्ञान कैसे हो, जीवन मुक्ति कैसे हो, उसमें आपकी मर्जी, इसमें आपकी मर्जी, और सुन लीजिए सबका फल एक होगा, आपकी जो इच्छा हो, ये नाशवान की इच्छा हम नहीं रहते, इसमें सुहात ही नहीं है, अब तो कुछ भी नहीं सुहाव है, एक तू ही मन भाव है, तने मिलने का राज मरो मारो उजले आवे, ये कैसे मिले, कैसे मिले भगवान, कैसे मिले भगवान का प्रेम, कैसे मिले भगवान के दर्शन, कैसे हो क्या करूं कहां जाऊं, ये बात अब पूछो इसमें जो बात है, एक लगाओ भगवान से यही कहो कि महाराज प्रेम दो, आपका आकर्षण दो, आप मीठे लगो, आप अच्छे लगो, ये भगवान से मांगने की चीज है, धन संपत्ति व्यय भोग सुधारा मांगने का नहीं है, ऐसी मांगो हे नाथ एक केवल आपका प्रेम, केवल आपके दर्शन की एक एक इच्छा हो जाए, और हम नहीं चाहते, बहुत ले लिया और से बंद कर ले नहीं, आज तन तक देखो तो बड़े बड़े भोग भोग लिए, आराम भोग लिया, मान आ गया बस आराम मिल गया, कुछ फायदा क्या फायदा निकला, इतने खाना पीना खूब भर लिया, फायदा क्या निकला, फिर कमी ही कमी हुई रही, तो कमी की पूर्ति परमात्मा से होगी, उसकी आवश्यकता क्यों आवश्यकता अनुभव, आई नहीं समझ गई, एक आवश्यकता अनुभव करें, कोई बात दूरी चलती हो तो भी क्या करें, बात हमारे तो मिलते, जैसे प्यासा आदमी कितनी बातें सुनो जल बिना रह नहीं जाता, भूख लग गई तो अन्न बिना रह नहीं जाता, बालक की माँ चली जाए तो वो कुछ भी करो कुछ भी आदर करो माँ बिना रह नहीं जाए, ऐसे भगवान है बिना मीरा भाई के हिली हुई हरी बिना रह न जाए, ऐसे रहा नहीं जाए, लग गया प्रीत प्रेम बिहारी जो वने देखा बिना रहो रे न जाए, लग गया प्रेम बिहारी उसी बिना रहा नहीं जाता, ये इच्छा आप जान जान कर कर लो हो जाएगी, और ये इच्छा हो जाएगी जोरदार, दूसरी इच्छा मिट जाएगी वो पूरी हो जाएगी, पूरा करके देख लो, आप इतने बैठे हो सबसे मेरा कहना है, अगर आप चाहते हो भाई हो चार बहन हो एक कैसे पकड़े कैसे हो, अब मांगो भगवान से यही बने, ऐसी इच्छा दो ऐसी लालसा दो ऐसी चटपटी दो हे नाथ ऐसी कृपा करो, बस जैसे काकभूषण जी से भगवान ने कहा कि तू मान ले अपर से देर देर सब कुछ मान ले, काकभूषण जाकर भक्ति आपकी दलन कही सब देने का नहीं, देर से देर सब भी होगा भक्ति देने का ही नहीं,
मेरे को भक्ति चाहिए, प्रेम चाहिए, आपका आकर्षण चाहिए। भगवान खुश हो गए, तुम परम शयन आए, काहे न मांग रही अस वरदाना, ऐसा वरदान क्यों नहीं चाहता, तुम बड़ा शयन है, चतुर है। तो चतुर वही है जो प्रेम भगवान की चाहना, ये लगा दो जोर से, इसको बढ़ाओ और भगवान से मांगो, भक्तों का चरित्र पढ़ो, भगवान का चरित्र पढ़ो, कीर्तन करो, नाम जप करो, इनमें जिसमें मन लग जाए, भगवान के चरित्रों में, भक्तों के चरित्रों में, कीर्तन में, नाम जप में मन लग जाए, लगाओ, एक ही लाल साल भगवान कैसे मिले, कोने कैसे मिले सांवरियो, जारी मने ओरू आवे दिन रात ले सांवरियो, कोने कैसे ओरू आवे भगवान की ओरू, और मारवाड़ के ओरू आवे भगवान की ओरू आवे, अवशेर कौन मन में आवे, क्या करूं कैसे करूं, कुछ भी नहीं हुआ, राग रंग भोग सुख आराम मान बढ़ाई दी, ये कुछ स्वागत नहीं, क्या करें, क्या फायदा, क्या फायदा, जो भगवान नहीं मिले तो क्या फायदा, कहीं सत अटकू मत, एक ही लाल सा आप करो सही, जगाओ इसको, ये नाथ ऐसे आप प्रेम दो, ऐसी लगन दो, ऐसी लालसा दो, आप मीठे लगो और संसार अच्छा न लगे नाथ, नान्या स्प्रिया रघुपते हृदय स्मदीय, और स्प्रिया नहीं है कोई भी, सत्यम बदम सार भगवान अखला नाथ आप इधर में हो, मेरी कोई इच्छा नहीं, नान्या स्प्रिया रघुपते हृदय स्मदीय अस्मदीय हृदय अन्य स्प्रिया न, और कोई इच्छा नहीं, एक आपकी एक आपकी ये इच्छा जोरदार जगह तो पूरी हो जाएगी, एकांत बैठो सुबह में बैठो, जहाँ जाओ मर्जी आओ, बस ऐसी बात मिले तो सुनो, नहीं तो न सही, अपने तो एक ही कैसे पूछती हो है, कैसे करूँ मैं, कहाँ जाऊँ, एकांत में रो जागो, बस ये नाथ ये नाथ ये नाथ कर दे, आपके चरणों में प्रेम हो जाए, और मैं कुछ नहीं चाहता, भगवान ने कह दो मैं चाहता कुछ नहीं आपसे, ना मुक्ति चाहता हूँ, ना ज्ञान चाहता हूँ, ना गहरा भी चाहता हूँ, कुछ नहीं चाहता हूँ, आपको ही चाहता हूँ, आपको ही, ये कहानी कहाँ बताती है, भगवान बैठ गए ऊंचे अपने से, लो भाई बोलो को तू किसने मांगा, किसी ने कोई कुछ नहीं मांगा, किसी देते गए देते गए देते गए, भगत आया तो महाराज मेरे घर चाहिए, ये नहीं चाहिए, धन नहीं चाहिए, स्त्री पुत्र परिवार नहीं चाहिए, मकान नहीं चाहिए, संपत्ति नहीं चाहिए, मान नहीं चाहिए, बढ़ाई नहीं चाहिए, अरे क्या चाहिए, तुम क्या चाहता है, आपको आपको चाहता हूँ, मेरे पास कुछ नहीं, मैं दे दिया सभी, मैं लेता ही नहीं, मैं तो आपको बाकी क्या रहेगा बताओ, सब ऐसे एक भगवान को चाहे, मुझे कोई चाहना नहीं, जीने की भी चाहना नहीं, जीते जी कर क्या करेंगे, इतना दिन जी गए क्या फायदा हुआ, जब तक भगवत तत्व की प्राप्ति नहीं हुई तो जीने से क्या फायदा हुआ, तो केवल चाहना भगवान की, भगवान की चाहना केवल करो, तुम कोई शंका तो पूछो, शंका काम नहीं है, और इसमें स्वतंत्र हो आप, ये बात समझो, स्वतंत्र और समर्थ हो दोनों बात याद करो, आप सब स्वतंत्र हो, परतंत्र नहीं हो आप, और असमर्थ नहीं हो, योग्यता ऐसी हो तब तत्व ज्ञान होता है, ऐसा होता है, योग्यता जरूर नहीं, और असमर्थ नहीं हो, कितनी बात बढ़िया बताओ, सब समर्थ है, सब पात्र है, कोई को पात्र नहीं है, माँ की गोदी जाने में कोई रुपया नहीं खर्च करना है, कोई विद्या अध्ययन नहीं करना है, अपनी माँ है, उसमें क्या योग्यता करोगे, पढ़ कर क्या करोगे, मैले में भरो स्नान कर जाओगे, स्नान कराओ माँ करावे तो भाई गर्ज हो, हमें गर्ज है नहीं, हम तो मैले में भरे हुए जाल गोदी में बैठ जाएंगे, बस उसको नहीं सुहा शुद्ध करो, ऐसे भगवान को कह दो आप शुद्ध करना करो, मगर हम तो एक है जीवित चाहते हैं, अभी दुराचार हो भरते भावना भाग, दुराचारी है दुराचारी, हे भगवान हे नाथ हे नाथ हे नाथ, भगवान
निहाल जाओ। एक लालसा केवल इसको आवश्यकता कहते हैं, आवश्यकता की लालसा केवल केवल आवश्यकता है। हे प्रभु हे प्रभु हे प्रभु, क्या करूं, कहां जाऊं, किससे पूछूं, कौन बतावे, मैं तो हूँ हारियो बहु विद्यतन करी अतिशय प्रबल आदि, मैं तो हार गया महाराज, मैं फिर देश होता जा नहीं सकता, किससे पूछूं, क्या करूं, सब संसार से निराश हो गया, संसार मात्र से जीने से भी शरीर से भी निराश हो गया। एक आशा भगवान की, संसार की आशा नहीं, कोई इच्छा नहीं, मान की इच्छा नहीं, बढ़ाई की नहीं, आराम की नहीं, सुख की नहीं, प्रशंसा की नहीं, हम कोई इच्छा नहीं, सब हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। बोलो शंका बोलो बोलो, ये जागृत करो, इसमें आप स्वतंत्र हो, इसमें आप परतंत्र नहीं हो। स्वभाव की परतंत्रता मिट जाएगी, आदत है पड़ी हुई वो परतंत्रता मिट जाएगी। पात्र हो आप, समर्थ हो, योग्य हो और स्वतंत्र हो, इसमें दूसरे की सहायता की जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है, संतों की महात्मा की जरूरत, कुछ की जरूरत नहीं है, भगवान की दलाल की जरूरत नहीं है, सीधा संबंध है भगवान के साथ हमारा। ये गुरु की महिमा कहते हैं तो अच्छी बात है, मैं तो कहता हूँ जरूरत नहीं, जरूरत हो तो आप गुरु भेज देंगे, भगवान को कह दे नए विचार करना हो तो भेज दो गुरु बिना, मत जरूरत तो आप ही जरूरत, क्यों बहुत ठीक हो जाएगा एकदम। इसमें शंका हो तो बोलो, ये बात मेरे को मिली तो अच्छी लगेगी, इसमें सभी अधिकारी है, कोई अनधिकारी नहीं है, सभी योग्य है और सभी स्वतंत्र है, इसमें पराधीन नहीं है कोई, संसारी चीजों में सब पराधीन है, कोई स्वाधीन नहीं है, अपनी मर्जी से हो तो लखपति से नीचा कौन रहे, लखपति बन गया, हाथ की बात नहीं है, यदि हाथ की बात केवल लालसा केवल इच्छा, चलते फिरते उठते बैठते हे नाथ हे नाथ, कैसे हो, किस तरह हो, आपके दर्शन कैसे हो, आपका प्रेम कैसे मिले, भगवान का प्रेम मिल गया, हे नाथ मैं कुछ नहीं चाहता, प्रेम, शरीर में रोग हो तो अच्छी बात, निरोग हो तो अच्छी बात, जीते न मर जाए तो अच्छी बात, लोग भला गए तो अच्छी बात, लोग बुरा गए तो अच्छी बात, हमने क्या मतलब उस कुछ भलाई से बुरे हमें क्या लेना लेना है, क्या आराम से लेना है, क्या दुख से लेना है, बुखार आ गया क्या भूख से होता है, उतर गया तो क्या बुखार उतर गया, धन चला गया तो क्या मतलब, धन आ गया तो हमें क्या मतलब, धन से आवे जावे बेटा पोता हो गया तो हमें क्या मतलब, सब मर गए तो मेरे को क्या मतलब इनसे, ऐसे एक परमात्मा की इच्छा, जो कुछ हो जाए नाथ मैं नहीं रह सकता, लालसा भगवान कैसे है इसकी जरूरत नहीं, सगुण है निर्गुण है साकार है दिव्य है दो बुद्धि है सहस बुद्धि है चतुर्भुज है कैसे है, हमें मतलब नहीं, हमें तुम वो मिल जाए हमारे नया कार से मिलो, साकार से मिलो, सगुण रूप से मिलो, निर्गुण रूप से मिलो, चतुर्बुद्धि रूप से मिलो, दो बुद्धि रूप से मिलो, धनुष वाले मिलो, बंशी वाले मिलो, वो आपकी धारणा है, बंशी वाले में बंशी वाले में लग जाओ, धनुष वाले धनुष वाले में लग जाओ, डमरू वाले में लग जाओ, आप मानते ये एक उसमें एक एक पकड़ हुए शंका की जरूरत नहीं है, इसमें शंका कर दो अब जितनी मंदिर काट दो बोल दो शंका ठीक है, नहीं मिट रही नहीं है मिट जाए और नहीं मिटा सको तो भगवान को ये भी भगवान से कहो ऐसी कृपा करो ना आप ही मिट जाए, मेरे मान की इच्छा होती है, आदर की इच्छा होती है, सुख से जीने की इच्छा होती है, नाथ ही कृपा करो ये मिट जाए, नहीं मिट सके तो भगवान से कहो, सब भगवान से कहो, भगवान के समान कोई संत है कोई महात्मा है, उमा राम समितु जग माहे गुरु पितु मातु बंधु कौन है,
उमा राम समितु जग माही गुरु पितु मातु बंधु को उसे ही को केवल उसे ही को अनन्य भाव से उसी को शुरू कर दो अपना तैयार अभी से शुरू कर दो और मत देखो अनुकूलता प्रतिकूलता यूं हो जाए कोई फायदा नहीं यूं हो जाए तो क्या फायदा है नहीं हो जाए तो क्या नुकसान है इसमें ऐसे कोई मतलब नहीं हमारा हमारा तो मतलब ये ना था आपसे ऐसी लालसा हो जाएगी बिल्कुल अपर अक्षरों का ज्ञान नहीं उसको हो जाएगा कुछ पढ़ा नहीं उसको प्राप्त हो जाएगी भगवान का दर्शन हो जाएगी प्रहलाद जी महाराज ध्रुव जी महाराज 5 वर्ष के थे और तप करने लग गए और भजन में लग गए ऐसी लालसा लगाई प्राण बंद किया सब जगह परिपूर्ण परमात्मा है ऐसे मिलकर प्राण बंद किया संसार मात्र की हवा बंद हो गई प्राण बंद हो गए लोगों के घबरा गए भगवान से कहा महाराज मर जाएंगे सर प्राण बंद हो जाए फिर क्या चाहिए फिर क्या कैसे जीवे जाओ भगवान प्रकट हो गए मान अब क्या बोले बोलना आता नहीं भगवान अपना संस्कार दिए अब स्तुति करने लगे सब वेदांत सब ज्ञान हो जाएगा क्यों फोड़ोगे करना क्या बस पढ़ाई संधि में तक ले सो जाता सप्ताह जागृत कहते हैं मेरी योग्यता सूती हुई उसको जगा दो महाराज कैसे शुरू हुई प्रवेश संजीव शक्ति धरस्वधात्मा मेरी जो सुप्ति हुई है सोती वृत्ति है उसको जगा दो जग गया पुरुषाण पर नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं युवंत प्रवेश मेरी वाणी सूती हो गई जगा दी तुम्हारी स्तुति हो तुम लगे हम क्या करें हम तो बस आपको चाहते बच्चा माँ 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 करे माँ जाने बात तेरा काम जाने तू जान तेरा काम जाने अपने क्या बात देखो बहुत दिन बीत गए बहुत उम्र चली गई है कई तरह की देख ली है हमारे मारवाड़ के जो उन्हें छाड़ी कितनी देख ली अब कहां तो देखोगे अब कहां तो देखोगे हम कुछ कर नहीं सकते तो करने की जरूरत नहीं है करना आता है वो करो पढ़े हुए तो पढ़ने दो तो योग्यता है तो वो करो हमारे पास कुछ है नहीं महाराज हम क्या करें तो जरूरत आप जैसे हो वैसे हो वैसे वही देगी कोई देगा सब लाद दे लदवाए दे लादन वाला साफ दे वही देगा सभी केवल आपकी तो भूख चाहिए केवल आवश्यकता अनुभव करो केवल आवश्यकता का उनके बिना हम नहीं रह सकते वह करना तो करेंगे संत के संत भेज देंगे गुरु से गुरु भेज देंगे शास्त्र शास्त्र भेज देंगे मंत्र तो मंत्र भेज देंगे जो चाहेगा वो जो चाहे भेज देगा न भेजो न भेजो नहीं कुछ मत भेजो न भेजो एक ही अपने साथ तेरी मर्जी आप जैसे कर तेरी मर्जी आप जैसे उनको स्वतंत्रता दे दो हमारी आवश्यकता है इस बात की आवश्यकता है केवल आवश्यकता केवल जरूरत परमात्मा की जरूरत और जरूरत नहीं है जीने की भी जरूरत नहीं मान की जरूरत नहीं बढ़ाई की जरूरत नहीं आराम की इच्छा नहीं बढ़िया भोजन की जरूरत नहीं बढ़िया कपड़े की जरूरत नहीं बढ़िया जल की जरूरत नहीं बढ़िया मकान की जरूरत नहीं लोगों के आदर की जरूरत नहीं प्रशंसा की जरूरत नहीं हमें किसी बात की जरूरत नहीं जरूरत केवल आपकी है
वह एक अनन्य हो जाएगी, पूरी हो जाएगी। दूसरी इच्छा आगे स्वर्ग हो जाएगी, एक हो जाएगी, सब इच्छा एक में हो जाए। कभी क्या होता है, हताश नहीं होते इस मार्ग में, हताश कभी नहीं होना। हताश होना जो चीज आगे चीज न हो, संसार चीज में हताश होना सदा आशा नहीं करना, या प्रमद में हताश नहीं होना। वो है, हताश क्यों हुआ? माँ है तो बच्चा क्यों हताश हो? भगवान है इसमें हताश नहीं होना, कभी नहीं होना। हताश होना बड़ी भारी बाधा है, बहुत बड़ी बाधा है। इसकी इच्छा तो रोज जागृत रहे, अपने अपने उद्योग की, अपने बल की आशा मत रखो, पर वस्तु परमात्मा की आशा कभी मत छोड़ो। अपनी शक्ति से हताश हो जाओ, अपनी योग्यता से हताश हो जाओ, अपने उद्योग से हताश हो जाओ, मेरे पर पुरुषार्थ नहीं होगा, मेरे पुरुषार्थ से नहीं होगा, उससे हताश हो जाओ। पर भगवत प्राप्ति से हताश कभी मत हो, उसके लिए ही शरीर मिला है तो उसके हताश क्यों हो? और काम क्या मनुष्य ही और करोगे क्या बताओ? परमात्मा प्राप्ति के लिए शरीर मिला है, उसके लिए हताश मत हो, कभी कभी नहीं होता। नन्दन्तु नेति निपुणा यदि वास्तु अंतु लक्ष्मी समावेशतु गच्छतु वा यथेष्टम् अद्यैव मे मरणमस्तु युगान्तरे वा न्यायात् पथ प्रविचलन्ति पदग्नतीरा। सुख मिलो, दुख मिलो, आदर मिलो, निरादर मिलो, निंदा हो, प्रशंसा हो, आराम हो, न हो, एक बात, हे नाथ, हे प्रभु, कैसे क्या हूँ, कहाँ जाऊँ, किसने पूछू, कौन बतावे, क्या करूँ नाथ, ऐसे भगवान से पुकारू। मेरे में बल नहीं है, मेरे में योग्यता नहीं है, मेरा कोई साधन नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं है, भगवान की कुछ जरूरत नहीं है। देरी लालसा नहीं है, ऐसी असली लालसा में कमी है भाई। तो लालसा अपनी है जी तो करो और फिर मांगो, अपनी नहीं है तो लोग कहो तुम लालसा दो, तुम प्रेम दोगो जिससे आप मिल जाओ वो प्रेम ले। सुनते हैं जरूर, तुम्हारे को पता नहीं है, तो मेरे में शक्ति नहीं है महाराज, पुकारो मेरे में शक्ति नहीं, रो मैं क्या करूँ, मेरे में शक्ति रोना तो गर्ज नहीं है, गर्ज में रोना बंद करना मुश्किल हो जाएगा, रोना बंद नहीं होगा, गर्ज हो जाएगा जी, ये गर्ज आपकी है महाराज और कुछ गर्ज नहीं। अभी रोटी रोटी में खास बात नहीं है, खास बात लगन की है भाई। लगन नहीं चाहिए तो, लगन नहीं है तो लगन कहो, लगन दो, वो लगन दो नाथ, वो दो अपनी मर्जी उसको दो, नेक सर आपको करना है रुक करो, कोई गुरु मिला तो गुरु मिला दो, योग्यता तो योग्यता मिला दो, आपको जो करना है आपको नेक सर, हमें नेक सर नहीं चाहिए। देखो भाई आपको बात बताओ है, मेरी बात पर इतना विश्वास करो कि मैं धोखा नहीं देता हूँ। मैं कोई धोखा देता हूँ क्या? किसी को धोखा दिया? इतना आप परिचित हो, बरसों से हो, कभी आपके साथ विश्वासघात किया हो, धोखा दिया हो, आपको भरमाया हो, आपको कुछ ठगा हो, तो अब मेरे को कहना नहीं आता उसमें क्या करूँगा, तो मैंने करना आता है कहना आता है उतने मैंने बचा कर नहीं रखा, अब क्या करूँ? तो मैं कहता हूँ ना इस पर विश्वास करो, रो रोटी खाओ नहीं, जान करके रोटी छोड़ना नहीं है, जान कर पानी छोड़ना नहीं है, जान कर नींद छोड़ना नहीं है, लाल जब नींद नहीं आवे, भूख नहीं लगे, प्यास नहीं लगे तो परवाह मत करो,
लालसा में नहीं लगे तो कोई हर्ज नहीं है। भूख है जो, प्यास है जो, नींद नहीं आती क्या करें, नींद आती नहीं, बैरन हो रही नींदरिया, भूख लगती नहीं। नहीं सुनते तो मत सुनो, अपनी कमी मत रखो, नहीं सुना तो मत सुन, तेरी मर्जी हो जहाँ जा, तो अपनी कमी मत रखो, अपनी फेर कर दो, अपने हताश मत हो, ये नाथ करो, आप सब जगह हो, सब हो, सब में हो, सभी आप में है, फिर आप दूर क्यों हो मेरे, क्या करूं मैं, कहां जाऊं, मैं पूर्ति कर नहीं सकता, परंतु पूर्ति के बिना रह नहीं सकता, जी नहीं सकता, बिना पूर्ति के चैन नहीं पड़ता, या पूर्ति करने की मेरी ताकत नहीं है, मैं कर लूं ऐसी योग्यता नहीं है, कोई सामर्थ्य नहीं है। कमजोरी बताऊं कि नहीं, अगर मैं एक बार हताश जाता हूं ना, हाँ, तो फिर दोबारा मन नहीं करता कि मैं भगवान संभालूंगा, मन ही नहीं करता नहीं। गलती करता तो हताश तो होना ही नहीं, पहले एक बार क्यों हो जावे हताश में तो। अच्छा दूसरी बात बताऊं आपको, हताश हो तो कहाँ जाओगे बताओ, क्या काम करोगे? यही जाना पड़ेगा तो पहले ही क्यों छोड़ो, उसके पीछे मत पड़ जाओ, हताश मत हो। हमारे विद्या गुरु जी महाराज थे, जयपुर की बात है, नई आशिया निब्य की बात अंदाजन है, निब्य हो नई आशिया हो उस बात है। एक दिन सुबह जागे तो कहने लगे, विष्णु साहब नाम पढ़ते थे, वेदांत के बड़े अच्छे विद्वान थे, मेरे को पढ़ाया है, तो कहने लगे कि रात सपने में भगवान विष्णु ने दर्शन दिए, विष्णु भगवान। तो मैंने कहा कि महाराज आप कठोर बहुत हो, जल्दी रीझते नहीं हो, तो कहा कुछ तो रीझेगा सुबह जहां से राजा, तुम्हारी तो जबान ही नहीं, तुझे कोई भेज दो जाऊ कहा जाऊ, चुप हो गए मारो। हमारे महाराज कहते सुबह उठे सुनाया कैसे, अब तुझे कोई हो तो कहा जावे, जल जहाज का कौआ उड़ता है, उड़ उड़ा कहाँ जावे, अंत जहाज के सिवाय बैठे कहाँ, पानी पानी भरा है कहाँ बैठे जा रहा, वही आग बैठे हो जा रहा, इस बात से हताश हो तो कहाँ जाओगे बताओ, दूसरी कोई चीज दिखती है, कोई सहारा दिखता है, तो फिर भगवान ने कह दो आप अपनी मूछ रखो, भारी मूछ नहीं, आप अपनी मूछ रखो, हमारी इज्जत नहीं चाहिए, आप हताश नहीं होगा, इस रस्ते में हताश नहीं, पीछे पड़ जाओ, देखो तो सही, नारायण 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 नारायण, मैंने अल्लाह करो भगवान को पुकारो, मैं क्या करूं, मैं तो बताता हूँ रो, उसके बिना चैन नहीं पड़े, रो रो, भक्तों का चरित्र पढ़ो, रो, ये उपाय बहुत बढ़िया है, बालक के नहीं जड़ने क्या, बालक रोए और क्या करे, रोने से माँ को आना पड़ता है, जख मारा हुए की माँ रो, उसके बिना वो सह नहीं सकता, संसार के दुख से दुखी हो उसके तो भगवान के इलाज नहीं है, यार भगवान के दुखी हो वो भगवान से सहा नहीं जाएगा, बहुत सह नहीं सकता, उसके बिना दुख है उसको भगवान नहीं सह सकता, सह नहीं सकता, हे नाथ हे नाथ।